ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में हम बात करेंगे आगरा की, जहां बीसीसीआई की तरफ से आईपीएल फैन पार्क का होने जा रहा है आयोजन। साथ ही बात होगी आजमगढ़ की, जहां मुठभेड़ में घायल हुआ एक हिस्ट्री शीटर। और अंत में बात होगी सीतापुर की, जहां शारदा नदी में डूबा एक युवक। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर आगरा से, जहां क्रिकेट प्रेमियों पर टाटा आईपीएल का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है। ताजनगरी की क्रिकेट प्रेमियों के लिए बीसीसीआई की ओर से 24 और 26 मई 2024 को जीआईसी ग्राउंड में आईपीएल फैन पार्क का आयोजन होने जा रहा है। गुरुवार को बीसीसीआई और आगरा डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इस विषय में जानकारी दी। बीसीसीआई के क्रिकेट ऑपरेशंस प्रबंधक एल्विन गायकवाड़ ने बताया कि देश के चुनिंदा 50 शहरों में आईपीएल फैन पार्क का आयोजन हो रहा है। आगरा डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील जोशन ने कहा कि खुशी की बात है कि क्रिकेट प्रेमियों के रुझान को देखते हुए आईपीएल साल दर साल अपनी भव्यता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रहा है। पिछले साल की तरह इस साल भी आगरा में टाटा आईपीएल फैन मार्क पार्क का आयोजन किया जा रहा है। पूर्व अध्यक्ष पूरन डावर ने कहा कि आईपीएल फैन पार्क में लोगों को क्रिकेट स्टेडियम जैसा एहसास होगा। बड़ी स्क्रीन में क्रिकेट देखने के साथ साथ दर्शक इस दौरान कई रोमांचक गेम्स के जरिए आईपीएल की टी शर्ट और कुछ लकी ड्रॉ भी जीत सकेंगे। फैन पार्क में प्रवेश पूरी तरीके से निःशुल्क होगा। शाम 7:30 से शुरू होने वाले मैच के लिए 6:30 से प्रवेश शुरू हो जाएगा। और यूपी से का लाइव के रूप में 24 और 26 तारीख को दो दिन आईपीएल का क्वालिफायर और फाइनल मैच होने जा रहा है। उसका पूरा आनंद आगरा के लोग एक स्टेडियम के रूप में ले सकें। एक फन फैन पार्क बनाया गया है आगरा के जीआईसी ग्राउंड में, जो 24 तारीख को कल 6:30 से शुरू होगा और 25 तारीख ऑफ है और 26 तारीख को फाइनल मैच है। इसका पूरा आनंद आगरा के कितने क्रिकेट प्रेमी हैं, किसी भी एज ग्रुप के हों, चाहे वो 10 साल 12 साल की एज ग्रुप के हों या 80-90 साल की एज ग्रुप के हों, एक पूरा स्टेडियम का लुत्फ आगरा में बैठे हुए फाइनल मैच का ले सकते हैं। बड़े स्क्रीन पर पूरा स्टेडियम की ही व्यवस्था वहाँ की गई है, हर तरह की व्यवस्थाएँ हैं और बच्चों के मनोरंजन। डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन आगरा के अध्यक्ष के रूप में मुझे जिम्मेदारी दी गई है और उसको अपने ओर से बढ़िया तरीके से निर्वाह करने का प्रयास कर रहा हूँ पिछले लगभग 2 साल से, और आने वाले समय में भी इसी तरीके के आयोजन होंगे। और जो अभी इस साल के अंदर हमने ज़्यादा से ज़्यादा खेल कराने के प्रयास किए हैं और खेल कराए भी हैं, क्योंकि अलग अलग ग्राउंड्स में अलग अलग एज ग्रुप में बॉयज़ कैटेगरी के अंदर, गर्ल्स कैटेगरी के अंदर, और आने वाले टाइम में डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मैचेस हों। आगरा से सीनियर संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। आजमगढ़ थाना फूलपुर थाना अध्यक्ष अपने हमराहियों के साथ बीती रात पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार क्षेत्र भ्रमण में थे, तभी मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना मिली कि अंतर जनपदीय लुटेरा हिस्ट्री शीटर मनहरा गांव रोड से होकर जाने वाला है, जो किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। पुलिस टीम ने मुखबिर सूचना पर विश्वास रखते हुए मनहरा गांव रोड पर संकट मोचन मंदिर के पास पहले ही पहुंचकर घेराबंदी कर ली, तभी एक बाइक पर सवार दो लोग आते दिखे। पुलिस टीम ने बाइक सवारों को रोकना चाहा तो बाइक सवार पुलिस को देखकर गाड़ी मोड़कर भागना चाहे, लेकिन बाइक से गिर गए और झाड़ी में जाकर छिप गए। पुलिस टीम ने निकलने के लिए कहा तो पुलिस टीम पर फायर करने लगे। पुलिस टीम के जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, दूसरा भागने में कामयाब रहा। घायल बदमाश की पहचान रमेश नाना पुत्र आसाराम नोना निवासी थाना जलालपुर जिला अम्बेडकर नगर के रूप में हुई। ये लगभग 1.5 दर्जन अंतर जनपदीय मुकदमों में वांछित था। इसके पास से अवैध असलहा कारतूस बरामद हुआ है। इसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है, जिसका खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने किया। कल रात्रि में थाना फूलपुर की पुलिस द्वारा एक कुख्यात लुटेरे हिस्ट्री शीटर एवं अंतर जनपदीय बदमाश को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। इसका नाम है रमेश नोना, ये अम्बेडकर नगर का रहने वाला है। इसके साथ एक व्यक्ति दिवाकर को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना कुछ इस प्रकार है, 7 मई 2024 को वादी द्वारा आकर तहरीर दी गई कि इसके द्वारा 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मोटरसाइकिल पर होते हुए इससे मोबाइल की छिनैती कर ली गई थी और छीन कर ले गए थे, जिस पर थाना फूलपुर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। दौरान विवेचना
तीन व्यक्तियों का नाम प्रकाश में आया जिनके नाम रमेश नौना है जो कुख्यात हिस्ट्री शीटर भी है और लुटेरा है जिसके ऊपर लगभग 16 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। इसके साथ ही दिवाकर और राहुल नौना जो आजमगढ़ के रहने वाले हैं तीनों का नाम प्रकाश में आया विवेचना में। कल रात्रि में मुखबिरों से ये सूचना प्राप्त हुई कि ये व्यक्ति थाना क्षेत्र में मौजूद है और अन्य किसी घटना कारित करने की फिराक में है। इस सूचना पर नियमानुसार पुलिस मौके पर पहुंची, घेराबंदी किया गया। पुलिस को देखते हुए ये लोग भागने लगे और फायरिंग खोल दिए पुलिस के ऊपर, जिसमें आत्मरक्षा पुलिस ने इन पर जवाबी फायरिंग की जिसमें रमेश नौना के पैर पर गोली लगी है। इसके साथ ही दिवाकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को मान्य न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा रहा है तथा तीसरे व्यक्ति जो राहुल नौना है उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है, तत्काल उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। आजमगढ़ से सीनियर संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर भोपाल से, जहां गुंजन चौकसी ने कांग्रेस को लेकर कहा कि कांग्रेस चूंकि पूर्ण रूप से हार चुकी है और मध्य प्रदेश में एकदम कांग्रेस जीरो सीट पर आने वाली है। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, कांग्रेस का अपना जब सिक्का खोटा निकलता है तो कांग्रेस की इस तरीके की जो काम है ये बिल्कुल जनता के बीच में आ ही रहे हैं। कांग्रेस क्योंकि पूर्ण रूप से हार चुकी है और मध्य प्रदेश में एकदम कांग्रेस जीरो सीट पे आने वाली है, इसलिए कांग्रेस सिर्फ अपने हार का जो निराशा का ये सिर्फ प्रदर्शन कर रही है। और रही बात अक्षय बम जी की, तो देखिए ये न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो भी कार्रवाई अगर न्यायालय द्वारा होगी तो वो न्याय प्रक्रिया में राजनीति की कोई भी टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझती हूँ, लेकिन कांग्रेस को न्यायालय प्रक्रिया में इस तरह हस्तक्षेप करना ये कांग्रेस की निराशा और हार दर्शा रही है। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष शर्मा की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र से है, जहां मतदान से पहले करछना थाना क्षेत्र की पुलिस पर गठबंधन के नेताओं को धमकाने का आरोप लगा है। सपा के पूर्व जिला पंचायत सदस्य रवीश तिवारी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर बताया कि बुधवार की रात उनके घर पहुंची करछना पुलिस ने महिलाओं और बच्चों को धमकाया। सीसीटीवी का डीवीआर उठा ले गई, अलमारी से पैसे गायब हो गए। रवीश तिवारी ने पूरे मामले की लिखित शिकायत चुनाव आयोग से भी की है। रवीश तिवारी ने बताया कि पुलिस के लोग उन पर गठबंधन के प्रत्याशी उज्जवल रमन सिंह का प्रचार ना करने का दबाव बना रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि गांव में सिर्फ सत्ता पक्ष का ही वोट पड़ना चाहिए। रवीश तिवारी ने कहा कि चुनाव आयोग उनके परिवार की पुलिस से रक्षा करे। पूर्व जिला पंचायत सदस्य करछना, मेरे यहाँ बुधवार की रात करीबन 8:30-9 बजे करछना थाना प्रभारी मनोज कुमार, अतिरिक्त थाना प्रभारी गणेश तिवारी, लगभग 20-25 पुलिस की संख्या में पुलिस बल आ गए थे। मेरे घर में तलाशी ली और मेरे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर निकाल ले गए, उठा ले गए, घर में अलमारी की खोलकर। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर जनपद सीतापुर से है, जहां तंबौर क्षेत्र के गांव में परिवार सहित समारोह में शामिल होने गया युवक शारदा नदी में डूब गया, जिसकी तलाश जारी है लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चल सका है। बुधवार को क्षेत्र के डयोडेडी निवासी रंजीत, उम्र लगभग 23 वर्ष, अपने परिवार के साथ करीबी गाँव तंबौर देहात के मजरा इच्छा अपने ननिहाल निवासी लल्लू के यहाँ शादी समारोह में शामिल होने गया था, जहाँ गाँव के करीब बह रही शारदा नदी पर देर शाम कुछ अन्य लोगों के साथ नहाने गया था। नहाते समय गहरे पानी में चले जाने से वो डूब गया। जानकारी होते ही गांव के तैराकों ने उसकी खोजबीन जारी की लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चल सका है। इस संबंध में थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विजयेंद्र सिंह ने बताया कि उनके पिता द्वारा तहरीर दी गई है, गांव के गोताखोरों से उसका पता लगवाया जा रहा है। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अवनीश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।